शनाया, सच में तुम्हें खुश देखकर ना बहुत खुशी होती है। हाँ? लेकिन तुम्हारी इस खुशी पे मैं फुल स्टॉप लगाने वाली हूँ। सच्ची? थोड़ा सा शॉक लगेगा कि जो रिपोर्ट तुमने अभी अभी जलाया ना वो असली रिपोर्ट नहीं, असली रिपोर्ट तो ये। वो क्या है ना, मुझे पहले ही लगा था कि तुम्हारे दिमाग में कोई गेम चल रहा होगा। जब तुमने लतिका दीदी को दादी के साथ बाहर भेजा तब मेरा शक यकीन में बदल गया। तुम्हें पता है मैं घर के बाहर ही रुकी थी इन रिपोर्ट्स के लिए, और ये जो एनवेलोप तुम्हारे पास आया है जरूर उसी हॉस्पिटल का है, लेकिन उसके अंदर जो रिपोर्ट था ना वो मेरी प्रेगनेंसी का रिपोर्ट था। लेकिन ये सब पढ़ सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है साक्षी कि तुम जीत गई? राइट, रॉन्ग। मुझे दो रिपोर्ट। क्यों दूं मैं? प्लीज साक्षी, साक्षी, साक्षी कहां चली गई? बहुत स्मार्ट बनती हो ना तुम। हाँ नो आउच। शनाया के रूम में तो नहीं? शायद उसके साथ होगी। साक्षी, करण आप वहां खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? उठाइए ना शनाया को। ये मेडिसिन पकड़ो। हाँ। ये गिर कैसे गई? वो चलने की कोशिश कर रही थी इसलिए। ये तुम्हारी मेडिसिन है, टाइम से ले लेना। यही सोच रही होगी ना तुम कि मैंने करण को सब कुछ सच सच क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी घटिया हरकत की वजह से करण को गुस्सा। उनका गुस्सा तो तुम जानती ही हो ना? ऑफ कोर्स मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि जनरली जब करण को गुस्सा आता है ना तो सबसे पहले वो खुद का बुरा करता है। अच्छा किया जो करण को तुमने ना सच्चाई नहीं बताई, मुझसे बचा लिया। हाँ, अगर इस बार गुस्से में आकर करण मेरे साथ कुछ भी गलत करता ना साक्षी, इस बार मैं उसकी बेल भी नहीं होने देती। क्यों ना साक्षी, उस दिन जब करण गुस्से में था और उसने मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया था, मुझे कुछ नहीं हुआ था। मैं तो बस इतना गुस्से में थी ना कि मैंने खुद जाकर अपना सर उस टेबल पर पटक दिया था। लेकिन पता नहीं क्यों वो मेटल का बॉक्स कहां से मेरे सर पर गिर गया और मुझे चोट लग गई। साक्षी, वो पैरालिटिक अटैक ना, वो मुझे आया था। हाँ देखो ना, इतनी छोटी सी उम्र में क्या करूं। बट यू नो व्हाट साक्षी, जिस दिन हम हॉस्पिटल से घर वापस आए ना उस दिन ही मैं ठीक हो गई थी। फिर मैंने नेट में पढ़ा कि ज्यादा डर की वजह से ना ऐसे अटैक होते हैं। तुमने तो सुना ही होगा ना, पैनिक अटैक। बस वही था, बस डर गायब तो पैरालिसिस भी गायब। एंड वन मोर थिंग साक्षी, अगर तुम अपनी और अपने होने वाले बच्चे की सलामती चाहती हो ना तो जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस। क्या ये? इसके बारे में तो तुम भूल जाओ। You know what? सच में मन कर रहा है कि अभी जाकर सब कुछ सच सच बता दो सबको। फिर मैं अपने घर वालों को जानती हूँ और अब तुम्हें भी जानती हूँ। किसी भी सिचुएशन को तुम मैनिपुलेट कर सकती हो, किसी भी हद तक तुम गिर सकती हो। मुझे गिल्टी फील कराने के लिए तुमने अपना सर पटका, बीपी के पिल्स खाए, ना जाने क्या क्या किया। यू नो व्हाट, यू आर अ साइको शनाया, यू रियली नीड हेल्प। यू
यू। दिया की पेंटिंग्स अच्छी थी ना दादी? हाँ, बहुत कुछ सीख लिया उसने तो। सती टाइम स्पेंड कर रहा है ना आजकल, सो अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है। सुनीता, सुनीता कहाँ चली जाती है ये? दादी मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ बेटा ले आ। अरे दादी आप वापस आ गई? कहाँ थी तुम सुनीता? वो दीदी मुझे ना अपने बेटे को स्कूल से लेने जाना था इसलिए। दादी लंच करें? भाई तुम लोग करो, मैं तो बहुत अच्छा अच्छा खा के आई हूँ। लतिका वाकई तू बहुत अच्छा खाना बनाने लगी। दादी ये सारी मम्मा की रेसिपीज अच्छी तो होंगी। जनरली जब करण को गुस्सा आता है ना तो सबसे पहले वो खुद का बुरा करता। अच्छा किया जो करण को तुमने ना सच्चाई नहीं बताई, मुझसे बचा लिया। हाँ अगर इस बार गुस्से में आकर करण मेरे साथ कुछ भी गलत करता ना साक्षी, इस बार मैं उसकी बेल भी नहीं होने देती। साक्षी तुम ठीक हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो I'm just not feeling good. मैं डॉक्टर को बुलाऊं? ओफो कुछ नहीं है, तुझे पता है ना ये माँ बनने वाली है। हाँ तेरे होने वाला बच्चा भी तेरे जैसा शैतान होगा, अभी से अपनी माँ को सता रहा है। लेकिन दादी। अरे बेटा परेशान नहीं होते, ऐसे टाइम पे ऐसा होता है। अरे सुनीता जल्दी से टीवी ऑन कर, आज वो शारदा का अवार्ड का प्रोग्राम आने वाला है ना। जी दादी। लतिका दी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। अकेले में? भाई तुम लोग अपनी बातें जल्दी खत्म करके आना, शारदा का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, आज उसे अवार्ड मिलेगा ना। जी दादी चलो। व्हाट शनाया पैरालाइज नहीं है? बिलीव दिस। और इस बारे में कौन कौन जानता है? कोई भी नहीं थी, मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि मैंने करण को भी नहीं बताया। आप जानती है ना उनका गुस्सा कैसा है, अगर वो मैं आपको साक्षी मुझे किसी क्लेरिफिकेशन की जरूरत नहीं, तुमने वही किया जो तुम्हें ठीक लगा। दादी आप सब लोगों को नीचे बुला रही हैं, टीवी पर प्रोग्राम शुरू हो गया। चलिए शुरू हो गया क्या दादी? जब कभी अपनी सफलता के पीछे खड़े लोगों का नाम लेने का वक्त आता है तो शायद लोगों को समझ नहीं आता किन किन का नाम ले। लेकिन सच तो ये है कि हर इंसान की सफलता के पीछे उसके परिवार का, उसके जान पहचान वालों का और उसके दोस्तों का हाथ होता है। मेरी सफलता के पीछे भी उन सब का हाथ है। लेकिन आज मैं खास एक इंसान का नाम लेना चाहूंगी, अगर वो मेरी जिंदगी में ना होती तो शायद मैं आज यहां ना खड़ी होती। मेरी बहू साक्षी। जिन साड़ीज की डिजाइन्स के लिए आज मुझे अवार्ड दिया गया है उनकी प्रेरणा मुझे मेरी बहू साक्षी से मिली। भगवान की कृपा से मेरी बहू मां बनने वाली है। ऐसी स्थिति में हर औरत बहुत खूबसूरत लगती है और साक्षी
वो तो बहुत खूबसूरत लग रही है। उसे देखकर मुझे लगा कि मैं प्रेग्नेंट औरतों के लिए साड़ी डिजाइन करना चाहती हूँ, जिसमें वो सिर्फ खूबसूरत ना लगे बल्कि उसे पूरा पूरा आराम मिले। आज मैं सचमुच बहुत बहुत खुश हूँ और ये खुशी मुझे मेरी बहू साक्षी ने दी है। मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्द मैं घर जाके ये अवार्ड उसे दूँ, क्योंकि सचमुच इसकी हकदार वही है। Congratulations, Ma. Mama, congratulations once again. Thank you. Ma, आखिर में आपने अपनी एक नई पहचान बना ही ली। ये सब तेरी वजह से ही मुमकिन हुआ है। माँ, किसी को भी राह दिखाना बहुत आसान है, लेकिन उस राह पर चलते हुए मुश्किलों का सामना करना, मंजिल तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। I'm really very proud of you, Ma. आपको पता है, एक औरत बरगद के पेड़ की तरह होती है, जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसकी शाखाएं और मजबूत हो जाती है और बढ़कर नई जड़ें बनाती है। माँ, आपकी ये कामयाबी बहुत सारी औरतों के लिए एक नई प्रेरणा बनेगी। ये जो आपने अपने लिए एक नई पहचान बनाई है, ये बहुत सारी औरतों के लिए एक नया सवेरा होगा। आप खुश तो है ना माँ? हाँ बेटा, बहुत खुश हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये खुशी अधूरी है। उस दिन मैं सबसे ज्यादा खुश होंगी जिस दिन मेरे परिवार के हर इंसान के चेहरे पर खुशी होगी। हम खुश तो तब होंगे ना मामा, जब हमारे पास खुश होने के लिए कोई वजह हो। क्या क्या मतलब लतिका? लगता है आज लतिका का मूड थोड़ा खराब है। तुम अपने घर के मसलों को सुलझाओ, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। डैड। या? मुझे आपसे कुछ बात करनी। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, फिर आराम से बैठकर बात करते हैं। नहीं डैड, हमें आपसे अभी बात करनी है। क्या हुआ? एनीथिंग सीरियस? मैं हमारी कंपनी के लिए एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव क्लाइंट लाई थी, मिस्टर सेठी, यू नो अबाउट इट। पर करण ने इतनी ल्यूक्रेटिव डील बिना मुझे कंसल्ट किए कैंसिल कर दी। व्हाट? लेकिन क्यों? क्यों? दैट करण के लिए कोई नई बात नहीं है। आई एम टेलिंग यू डैड, अगर करण हमारा बिजनेस ऐसे ही हैंडल करता रहा ना, तो ये बिजनेस वो बहुत जल्द बर्बाद कर देगा। ओ हेलो, बर्बाद मैं नहीं कर रहा हूं, तुम कर रही हो। सिर्फ क्लाइंट लाने से कुछ नहीं होता, वो कौन है, कैसा है, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, ये सब भी जानना होता है। करण, ये बिजनेस है, यहाँ रिकॉर्ड्स रोज बनते हैं, रोज बिगड़ते हैं। एंड आई डोंट गेट दिस, अगर एक कंपनी का एक्सपीरियंस किसी एक क्लाइंट के साथ खराब रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी ही फ्रॉड है। यू नो व्हाट करण, यू नीड टू ग्रो अप। कम ऑन, तुम जानबूझकर प्रॉब्लम को इनवाइट क्यों करना चाहती हो, इसका क्या मतलब है? तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम कोई कंपनी या कोई क्लाइंट नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम मैं हूं। क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो कि मैं ज्यादा स्ट्रांग हूँ, ज्यादा हार्ड वर्किंग हूँ और मैं बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस वुमन। राइट, तुम सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ना तुम एक अच्छी बेटी हो, ना एक अच्छी बहन, ना एक अच्छी बीवी, एंड यू नो व्हाट, ना ही तुम एक अच्छी माँ हो। करण, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या हुआ? रुक क्यों गए? हाथ उठाए था ना मुझे मारने के लिए? Come on, hit me. तुम्हें आदत है ना लड़कियों पे हाथ उठाने की? एक बार लॉकअप में रह के तुम्हें तसल्ली नहीं मिली ना कि दोबारा जाने की प्लानिंग कर रहे हो? Come on, hit me. लतिका, stop it. करण, ये हो गया क्या तुम दोनों को? कर क्या रहे हो तुम लोग?
ये सारी बातें हम लोग क्या आराम से बैठकर नहीं कर सकते? नहीं डैड, हम शांति से बैठ के कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये बात, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो चुकी है। वी नीड अ सॉल्यूशन और मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। लतिका, ये क्या कह रही हो तुम? मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए, मुझे मेरे शेयर चाहिए। मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता। ओ कम ऑन, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती। डैड, दिस इज फाइनल, हमें हमारे हिस्से दे दीजिए प्लीज। करण, तुम तो समझदार हो, कम से कम तुम ऐसी बात मत करो। समझदार हूँ, इसलिए तो ये जानता हूँ कि चीजों के साथ साथ रिश्तों की भी एक्सपायरी डेट होती है। आप बस ये समझ लीजिएगा कि हमारी जर्नी, हमारा साथ यहीं तक था। एक बार मुझे मेरे शेयर मिल जाएं, फिर मैं और साक्षी इस घर से चले जाएंगे। साक्षी, हम यहां से कहीं और चले जाएं, हम अपनी नई दुनिया बसाएं। साक्षी, मैं अपना कोई नया बिजनेस शुरू करूं, एटलीस्ट हमारे बच्चे, उन्हें ये रोज रोज का झगड़ा तो नहीं देखना पड़ेगा। इन पेपर्स में लिखा है कि मिस्टर सुरेश मोदी बिजनेस में अपने लिए कुछ परसेंटेज रखते हुए अपने सारे बच्चों को उनका शेयर दे रहे हैं। क्या बात है, यहाँ तो सब कुछ पहले से ही बटने वाला है। बिना ज्यादा मेहनत किए मुझे मेरा शेयर मिल जाएगा, फिर मैं इन सबको छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। डैड, एक मिनट, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। मैंने डिसाइड किया है कि शनाया और आरव के शेयर्स मेरे नाम पे हैं।